सभी को। ठीक है, आवाज बिल्कुल कोई भी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सिंबल डू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद? इट्स आंसर इज इक्वल टू साइन, बी बी बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ऑटोसम मेन्यू? आपने जब ऑटोसम मेन्यू देखा होगा तो उसमें बहुत ढेर सारे कंटेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? एड, एवरेज और मैक्स। आपने देखा होगा सम होगा लेकिन ऐड नहीं होगा, देख लीजिए पीछे पलट के। ठीक है ना, जो ऑटो सम आपका मेन्यू दिया हुआ है उसमें ऐड नहीं होता, क्या होता है? एवरेज और मैक्स होता है। तो आंसर इज हियर ए, ऐड। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज द बटन दैट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर क्विकली इज? इट्स समेशन साइन, इट्स समेशन साइन, सी समेशन साइन, उसे समेशन साइन कहते हैं। सी को हम क्या कहते हैं? समेशन साइन। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो ये जैसे मैं फिनिश करूंगा वैसे ही आप पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, आप पूछ लीजिएगा, लेकिन तब तक मैं इसको कंप्लीट कर दूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एन एरर व्हिच अकर्स व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 इज? इट्स आंसर इज ए, DIV/0, DIV/0। 5, व्हिच फंक्शन फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन ए रेंज? क्वेश्चन 8, व्हिच फंक्शन, इसमें से वैसे फंक्शन को फाइंड आउट करना है जिसका रेंज, नंबर का रेंज क्या हो, सबसे बड़ा हो, सबसे अधिक हो। इट्स आंसर इज मैक्स, MAX, मैक्स। 6, व्हिच ऑफ द गिवन सेल रेफरेंस कैन बी इंक्लूडेड इन रिलेटिव रेफरेंस? रिलेटिव रेफरेंस में हम किस तरह के सेल रेफरेंस को यूज करते हैं? तो इट्स आंसर इज A5। आपको पता है ना, तीन तरह के सेल रेफरेंस होते हैं, एक रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट, तीसरा मिक्स। ओके, तीन तरह के सेल रेफरेंस होते हैं। एब्सोल्यूट के साथ हम क्या करते हैं, एक साइन हम यूज करते हैं जिसे हम डॉलर साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉलर साइन। रिलेटिव में क्या करते हैं, सिंपल उसका रो और कॉलम्स लिखते हैं। और जो मिक्स्ड होता है उसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों सेल रेफरेंस को हम उसमें लिखते हैं। सो आंसर इज A5। एंड नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सेल रेफरेंस पास्ड टू ए फंक्शन आर कॉल्ड? अगर सेल रेफरेंस में जो जो फंक्शंस होता है उस फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। जो भी आप लिखते हैं C1+C2+C3, ठीक है, या सम A1 A2, जो भी ऐसे फंक्शंस को जो कि सेल रेफरेंस के द्वारा पास किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्गुमेंट, ARGUMENTS, आर्गुमेंट। क्लियर? तो आते देखिए, इट्स क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड, डैश आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशन। फंक्शन, फंक्शन FUNCTIONS, फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फार्मूला। ओके, फंक्शंस आर द predefined formulas with which perform calculation. So your answer is here function. Answer is function. And now 3, dash function is used to add all the numbers in the range of cell. Okay, which type of function you have to use at all the range of cell? Your answer should be sum. Sum. S-U-M. Sum. S-U-M. Sum. And the question number 4. Question number 4 is,
dash feature is particularly useful when you want to add all numbers in a row or a column. If you want or if you need the total sum of your columns, rank or row rank, then you opt summation sign. Which sign you have used? Summation sign, or it is known as auto sum. Auto sum. Okay, your answer is auto sum. Auto sum. Okay, now question number 5. The cell address in a formula that does not change on copying is considered as. Okay, जो कभी चेंज नहीं होता वो क्या होता है? अब्सोल्यूट होता है. क्या होता है? अब्सोल्यूट. अब्सोल्यूट, ठीक है. अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कभी चेंज नहीं होता. रिलेटिव चेंज हो सकता है लेकिन अब्सोल्यूट चेंज नहीं हो सकता. तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? अब्सोल्यूट. एंड नेक्स्ट, अ फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग parenthesis, 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 p a r e n t h e s i s, parenthesis, ठीक है, parenthesis, एक मिनट रुक जाना, parenthesis, क्या कहते हैं इसे? parenthesis कहते हैं, ठीक है. हम क्या कहते हैं? पेरेंथेसिस. एक मिनट. स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो. अब जो ऐसे ब्रैकेट होते हैं ऐसे, इसको कहते हैं पेरेंथेसिस. इसको क्या कहते हैं? पेरेंथेसिस, ठीक है. इसको क्या कहते हैं? पेरेंथेसिस. इस बात का ध्यान रखना. और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो साइन होता है वो इक्वल टू साइन होता है. तो ये तुम लोगों को मैंने बता दिया. इसके बाद है राइट ट्रू एंड फॉल्स. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला कैन स्टार्ट विद प्लस साइंस. मैंने अभी अभी बताया कि ये प्लस साइन के द्वारा नहीं होता. ये किसके द्वारा होता है? ये हमारा होता है इक्वल टू साइन के द्वारा. किस साइन के द्वारा? इक्वल टू साइन के द्वारा. किस साइन के द्वारा? इक्वल टू साइन के द्वारा. तो इसलिए ये क्या है? फॉल्स है. सेकंड क्वेश्चन इज द काउंट नंबर फंक्शन काउंट्स द सेल इन ए रेंज हैविंग न्यूमेरिक डाटा. इट्स ट्रू, ठीक है. जो भी न्यूमेरिक डाटा होते हैं उसके क्या होता है? ये काउंट करता है. थर्ड, द ऑटो सम ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑफ द होम टैब. होम टैब, इट्स ऑल्सो ट्रू. इट्स ऑल्सो ट्रू. And the next, third, fourth, functions save time and eliminate the chance to write wrong formulas. It's also true. Five, there are five types of cell reference. It's first only three types: mixed, absolute, and absolute. Relative, mixed, and absolute cell reference only. Three types of cell reference. And six, formula in Microsoft Excel are case sensitive. No, it's not case sensitive. Okay. इसका केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है.
अगली बात समझ में।